यार आयुर्वेद आप लुहांग में हो? कितना स्टाफ है लुहांग में? और अभी यही है, दो ही है, न्यू टाइप PSC डॉक्टर की पोस्टिंग अभी नहीं है। वो जो रखे हैं तो क्या बोलते हैं, ये आयुर्वेदिक में है जी, आयुर्वेदिक में ये तो जो करानी है ना। ठीक ठीक, कोविड में बड़ी काम आई। ये तो कैंप लगे थे ना आयुर्वेद, कोई जगह ही नहीं छोड़ते कैंप की वजह से, लोग पहचानते हैं कोविड में तकरीबन पूरे ब्लॉक में कैंप की वजह से, कैंप की वजह से लोग पहचानते हैं। पहले लोग सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते थे, अब जनरल डिजीजेस के लिए भी अब उनका थोड़ा ट्रस्ट बना है, तो अब जनरल डिजीजेस के लिए भी मेडिसिन लेना है हमारे पास। बड़ी अच्छी नहीं, उससे थोड़ा ये है कि जो कैंप लगाए ना, उससे थोड़ा लोगों में विश्वास आ गया, नहीं तो उनको लगता है शायद ये मेडिसिन है भी इफेक्टिव या नहीं, में मिलती है पता नहीं। सर यहाँ ये बड़ा कंसेप्ट है कि जो फ्री में दवाई मिल रही है उससे काम नहीं, काम नहीं करती है, सही। ये बड़ा है ट्रेंड है, बड़ा पुराना कंसेप्ट है। नहीं नहीं, इसमें कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली यहाँ की राजनीति ऐसी, यहाँ लोग धोखेबाजी हैं, यहाँ लोगों का कंसेप्ट है किसी का आप 10 रुपए खाओगे तो अगले जन्म लाख देना पड़ेगा, लाख देना पड़ेगा, ये वो वही कंसेप्ट है। हाँ रास्ते में थोड़े वो गुजर ट्राइब्स थे, हमने कहा चलो इनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करके कैंप्स लगाते हैं, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू टेक आवर मेडिसिन, कि ये फ्री है, ये असर ही नहीं करेगी। अभी क्या होता है जब सारे गांधे मुक्ति दुआ में जाते हैं ना, ये पुराने भी ग्रंथ हैं, एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हैं, लोग कहते हैं नहीं इसको बंद कर दो, तो वो दूसरा जो नहीं आयुर्वेदिक है ना, इनको बंद कर। और पता है हमारे ये मलिक साहब ने, उनका बेटे ने सरपंच बना हुआ है, तो वो कह रहे हैं नहीं आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हमें खुड़वा में दे दो, क्योंकि लोगों को पता चल गया ये बड़े खा रहे हैं ना दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक वाली, वैसे हमें ये दे दो। एक वो अच्छा आइडिया है, जैसे आप कैंप लगाते हैं ना, पब्लिसिटी करके थोड़ा BMO साहब की हेल्प लेके, उनके पास स्टाफ बड़ा है, हम ये हमारे पास थोड़ी मेन पावर, आशा वर्कर को मिला के, वो ऐसे स्टाफ रौलका में भी आपका ही है, रौलका में रौलका लुहांग तटू पर कराया जाएगा नहीं, भंडार भंडार मैं ऐसे आपको सजेस्ट करूंगा, सबको कराना पड़ना, महीने या 15 दिन में आपका एक कैंप लग जाएगा, तो उससे हमारे कैंप लगे मंथली 3-4 कैंप लगाते हैं एक महीने में, वो उससे बेनिफिट, 3-4 कैंप तो हम लगाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमें लोग ज्यादा कैंप्स की वजह से ही जाए, एक्चुअली वही है, जितनी पब्लिसिटी हो जाए लोग आए तो फिर ये एलोपैथिक वाले अच्छा उन्हें दुआ लिखी देनी, उन्हें दुआ लिखी पत्त खाई सकने बिमला देवी।